सब बालक हाथ जोड़ रहे हैं, पिस्टल रख दे, मान जाओ ये सब बालक हाथ जोड़ रहे हैं। देखा और सुना आपने, मासूम बच्चे रो रो कर दया की भीख मांग रहे हैं। घर के अंदर कमरे में मौजूद हमलावर से पिस्टल रख देने की फरियाद करते हुए माफी भी मांग रहे हैं। दरअसल ये रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले का, जहां एक सिरफिरे युवक ने अपने सगे भाई और भाभी को गोली मार दी है। गोली मारने की वजह जो सामने आई है वो भी चौंकाने वाली है। पुलिस अभिरक्षा में नजर आ रहे शख्स का नाम है मूल चंद्र शर्मा। इस शख्स ने ही अपने भाई और भाभी पर पिस्टल से गोली चलाई। एसएसपी बुलंदशहर संतोष सिंह ने बताया है कि खूनी वारदात की तह में संपत्ति का विवाद है। वारदात उस वक्त की है जब बड़े भाई के बेटे की बर्थडे पार्टी चल रही थी। भतीजे की बर्थडे पार्टी में चाचा मूलचंद्र ने पिस्टल उठा ली और झोंक दिया फायर सगे भाई और भाभी पर। भाई के द्वारा अपने बड़े भाई और भाभी दोनों को गोली मारी गई और उल्लेखनीय यह है कि दोनों की पत्नियां सगी बहनें हैं अभियुक्त की, और जिसे गोली मारी गई मोहित नाम है बड़े भाई का और अभियुक्त का नाम मूलचंद है। दोनों सगे भाई हैं, दोनों की पत्नियां भी सगी बहनें हैं। मूलचंद जो अभियुक्त है इसकी उम्र लगभग 25 साल है और जिस व्यक्ति को इसके बड़े भाई जिसे गोली लगी उसकी उम्र लगभग 30 वर्ष है। विवाद यह था कि जब इन दोनों के पिता जौलीराम शर्मा की मृत्यु हो गई तो नौकरी करते थे, उनका जितना भी बीमा आदि का पैसा था, GPF आदि का पैसा था, वो सारा पैसा बड़े भाई मोहित ने अपने नाम करा लिया था। और 36 बीघे ज़मीन इनके पास है जिसमें इनके 3 भाई हैं, चौथा भाई मंदबुद्धि है, तो उस आधार पर तीनों भाइयों को 12-12 बीघे ज़मीन मिलनी चाहिए थी, लेकिन बड़ा भाई छोटे भाई का जो मंदबुद्धि है उसका भी हिस्सा और इस अभियुक्त का भी हिस्सा अपने कब्जे में पहले से लेकर खेती कर रहा था, दे नहीं रहा था। बस इसी कुछ माहौल के बीच में ये घटना हुई है। फिलहाल अभियुक्त गिरफ्तार हो गया है। SSP ने बताया कि बड़े भाई की बेईमानी का नतीजा गोलीकांड है। बड़ा भाई पिता की पूरी संपत्ति पर कब्जा करना चाहता। फिलहाल अब गोली से घायल पति पत्नी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आरोपी मूलचंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बुलंदशहर से कदीम खान की रिपोर्ट, NTTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।